ये हैं टपरवेयर किचन कंटेनर्स स्पेस सेवर, ब्लू कलर, ओवल शेप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरा अभिलाषा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन कंटेनर्स टपरवेयर कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। मेरे किचन में जब भी आपने व्लॉग्स में देखा है, जो मेरा किचन में कबर्ड है, कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितना मेरा ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने भी कंटेनर्स हैं मेरे पास टपरवेयर हैं। अक्सर ही व्यूवर्स का पूछना होता है कि आपके पास कितने कितने लीटर के हैं, इनके साइज अलग अलग हैं तो बताएं। तो आज मैं आपको सारी डिटेल जानकारी देने वाली हूँ जो मेरे पास टपरवेयर कंटेनर्स हैं, और जो कुछ पुराने हैं और अभी मैंने फिलहाल कुछ नए भी मंगवाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कंटेनर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। शुरू से ही मैं अपने किचन में जितना भी ग्रोसरी स्टोर करती हूँ, ऑलमोस्ट सभी तरीके की दालें वगैरह रखती हूँ और इन कंटेनर्स का यूज करती हूँ। इन कंटेनर्स में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है स्पेस सेवर है, जगह कम लेते हैं, आप अच्छा खासे स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट लिड होती है। जब भी आप कोई अनाज स्टोर करते हैं, तो वो मैंने आपको वीडियो बताया है कि मैं कौन सी दवा डाल के रखती हूँ, लेकिन अगर कभी कोई दवा नहीं भी डाली और आपने नॉर्मली इसमें छोले राजमा या जो भी हम लोग दालें वगैरह ला करके स्टोर करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये एयर टाइट लिड रहती है और इनकी लिड को प्रेस करना ये इजी है। जहां से आपने एक लॉक ऐसे फंसाया, दूसरे को ले जा करके प्रेस कर देना है, सिंपल है। मतलब यहाँ से एक साइड से आप जैसे कई बार ऐसे बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं लूज रह जाएगा, लेकिन इसका तरीका यही है कि जहां से ये एक साइड लॉक हुआ, दूसरे को आप अंगूठे से ऐसे प्रेस कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। स्पेस सेवर इसलिए है कि कम जगह लेता है, ओवल शेप में है, कम। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो भी अलमेरा है जिसमें मैं ग्रोसरी स्टोर करती हूँ, जैसे कि ये वाले कंटेनर रखे, इनके ऊपर ही ये आ जाते हैं। जो गोल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, वो काफी स्पेस लेते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। तो ये ब्लू वाले कंटेनर्स की रेंज है, जैसे कि इनके ऊपर ये आ गया। अभी मैं आपको सबके साइज भी बताऊंगी। कई बार होता है कि बड़े डब्बों के ऊपर थोड़ी सी जगह बची अलमारी में, तो हमने इनको इसके ऊपर ही रख दिया ऐसे। अगर इतनी शेल्फ की हाइट होती है कोई अलमारी की ना, तो इतने में आराम से दिए दो लग जाते हैं इस तरीके के। इसी तरीके से कई बार दो हमें ये एक साइज के रखने हैं, तो देखो ये दोनों भी रख लिया। जिसमें थोड़ा सामान रहता है तो अक्सर इस वाले कंटेनर्स में रखते हैं, थोड़ा ज्यादा रहा तो इसमें रखते हैं, और इससे भी ज्यादा रहा तो इसमें रखते हैं, और इससे भी ज्यादा रहा तो इसमें रखते हैं। तो इसकी हाइट देखो, ये इनके बराबर आती है। अब अलमेरा की हाइट कितनी है उसके हिसाब से, जैसे ये रखा ना 2.3 लीटर वाला है, ये 2.3 लीटर। इसके बाद यहां पर ये जो मैंने रखे हैं, ये 1.1 लीटर है, 1.1 लीटर, तो दो रख दिए तो ये फिर भी 2.2 ही आया ना। ये वाला 2.3 लीटर है। हर कंटेनर के नीचे लीटर भी लिखा होता है, टपरवेयर ब्रांड भी लिखा होता है, साथ ही ये माइक्रोवेव सेफ है तो ये भी लिखा होता है। मतलब लिखा क्या, मार्क बना होता है ये ऐसे। तो ये 2.3 लीटर है, ये 1.1 लीटर है। यहां पर ये है 500 ml। जब बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, जैसे इन डब्बों का सामान इतना रह गया, जब हमने कुछ ग्रोसरी भरी तो फिर उसको खाली करके हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। जब इसमें कुछ इतना सा बचा हुआ है और हमें कुछ ज्यादा सामान आया है, कोई हमें रिफिल करना है, तो इसका सामान फिर मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, तो इस साइज वाले में आ जाता है। ये जो सबसे नीचे यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो, ये 1.7 लीटर है, 1.7 लीटर, 500 ml, ये है 1.1 लीटर, ये 1.7 है, ये 1.1 है, और ये 2.3 है। तो ये चार साइज हैं। तो अगर अलमारी की हाइट इतनी आती है, तो एक तो ये 2.3 लीटर वाला आ जाता है, बढ़िया 2 किलो अनाज इसमें आराम से भर जाता है पूरा।
फिर बारी आती है कि हमने ये 1.7 लीटर वाला लिया, यानी कि अगर यहाँ पर 2 किलो से कम कुछ ग्रोसरी होती है तो इसमें डाल लिया। अब 1 किलो करीब है या 1 किलो से थोड़ा कम है तो ये 1.1 लीटर वाला है, इसमें रख लेते हैं। तो ये वाला फिर इस तरह, अगर हाइट ये वाली है तो हमें इतना मेंटेन करना है, तो हमने 2 डब्बे इसके ऊपर रख दिए, ये छोटा वाला इसके ऊपर रख दिया। मीन्स कि इस हाइट की जो भी शेल्फ होती हैं उसमें इतने आराम से ये कंटेनर्स आ जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके अलावा कोई और भी अगर आप कंटेनर यूज करते हैं किचन में तो उनमें इतना सामान इतने अच्छे तरीके से सेट नहीं होता जितना कि इन डब्बों में सेट होता है। ये ओवल शेप ब्लू कलर है, इसमें रेड कलर की भी रेंज आने लगी है अब। और ये सब हमारे पुराना स्टॉक है, पुराने में सारा ब्लू ज्यादातर आता था, रेड भी आता था, शुरू हो चुका था काफी सालों से, लेकिन ज्यादातर जिनके पास एक कलर है, जैसे शुरुआत कर ली हमने ब्लू कलर से लेने की, तो फिर हमारी इच्छा होती है हम ब्लू ही सारी रेंज खरीदें ताकि हमारा किचन कबर्ड एक जैसा दिखाई दे। लेकिन कई बार नहीं मिलता है तो फिर लेना होता है, तो रेड कलर स्टार्ट हुआ है। अभी फिलहाल मैंने जितने भी मंगाए हैं तो रेड कलर मंगाया क्योंकि मुझे पता है कि अब जल्दी ब्लू वाला मिलता नहीं है। जो पहले वाली रेंज है वो तो सब ब्लू ब्लू है, अभी भी मिलता है, रेयर ही है, जैसे देखना बहुत पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। तो ये फिलहाल है, जिनमें से छोटे वाले तो मेरे पास ये वाले पहले से ही हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली अभी नए जो ऑर्डर किए कंटेनर, ये 2.3 वाले मंगाए। ये 2.3 वाले मेरे पास 2 हैं रखे हैं अलमारी में, 4 मैंने अभी मंगाए तो हमारे 6 हो गए क्योंकि 2 मेरे पास पहले से थे। तो ये 4 पीसेस मंगाए, ये 4 पीसेस न्यू मंगवाए हैं और इसका 2 मेरे पास है ऑलरेडी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 थे, एक में मैंने पास्ता रखा हुआ, एक में मूंग की दाल 2 किलो छिलके वाली। तो ये 2 किलो डब्बे ना बड़े बड़े, जो ज्यादा सामान आता है कई बारी एक डब्बे में भर गया और थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये भी तो होता है ना कुछ चीजें, तो इसलिए फिर मैंने ये वाले मंगाए। ये 2 थे तो अब ये 4 हो गए, अब हमारे पास ये 6 हो गए इस तरीके से। तो जो चीजें मुझे ज्यादा रखनी होती है 2 किलो के हिसाब से, उनके लिए ये बढ़िया परफेक्ट है। तो अभी जो मैंने मंगवाए हैं ना उसमें ही देखो मैंने ये राजमा डाल लिया है, 2 किलो राजमा है इसीलिए इसमें डाल दिया है। और इसे भी हम भर ले, क्यों लगे हाँ जब दिखा रही हूँ एक चीज तो फिर मैं रिफिल भी कर लेती हूँ। इसमें डालूंगी मैं बासमती चावल क्योंकि वो हमसे 2 ही किलो रखते हैं, पुलाव वाला बासमती चावल, बाकी तो मैं ज्यादा मंगाती हूँ, रेगुलर वाला हम अलग यूज करते हैं, वो अलग कंटेनर में भरती हूँ। तो 2 किलो बासमती चावल, और ये बासमती चावल भी मैंने इसमें भर लिया है। तो 2 किलो जो चीजें होती है ना वो इसमें बढ़िया मजे से आ जाती हैं। तो ये भी तैयार हो गया, ऐसे ऐसे करके इन दोनों में भी मैं भर लेती हूँ। और इनकी जो साइज है 2.3 लीटर, और इसी तरीके से इनमें भी मैंने भर लिया है जो 1.1 लीटर वाले हैं, जैसे पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखे ना मक्के के दाने, मूंग वड़ियां रखी हैं, तो ये सब। तो ये मैं सारे भर लेती हूँ और फिर सब अरेंज कर लूंगी अलमारी में, तो आपको दिखाती हूँ। और अब मैं आपको अगले डब्बे दिखाती हूँ दूसरे साइज के। तो इन डब्बों की साइज आपको समझ में आ गई होगी ना, आई होप। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये 2.3 लीटर बड़ा वाला, इसके बाद वाला है 1.7 लीटर, 1.7 के बाद है 1.1 लीटर और फिर है 500 ml। आज मैंने ये ब्लू वाले 4 साइज के दिखाए आपको। तो इनमें से जो भी साइज आपको चाहिए, जो आपको सूट करे, आपकी रसोई में आपकी जरूरत हो, वैसा साइज आप देख करके चेक कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया ना, 2 डब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, वहां बड़े डब्बों के ऊपर छोटे डब्बे रखे हैं, ये वाले साइज के। इस तरीके से एक के ऊपर एक भी रख जाता है, 2 डब्बे एक साथ भी रख जाते हैं ये वाले, और बड़े डब्बे भी रख जाते हैं, और जो सबसे बड़े डब्बे है ना वो आगे रख जाते हैं, ये बड़े वाले। और अब टपरवेयर में ना इतने छोटे डब्बे भी आने लगे हैं, रेड कलर के लिड में दिखेंगे आपको, जैसे अजवाइन जीरा सौंफ वगैरह भर के रखनी है ना, ऐसे छोटे डब्बे लंबे वाले गोल गोल से, वो मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाती आपको। अभी मैंने जो 4 डब्बे मंगवाए हैं
बड़े साइज के, जिसमें से है ये 20 लीटर वाले ये कंटेनर। इसमें 20 किलो अनाज आएगा, मजे का आएगा, जैसे 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल, ये दो ही चीजें हैं जो हम साल भर के लिए स्टोर करते हैं। फिलहाल तो मैं साल भर के लिए ना तो अभी तक गेहूं स्टोर करती थी ना ही चावल, क्योंकि इतना सारा लाके रखें कहाँ। इनमें यही है कि ये पतली से है ना, कम जगह लेते हैं, हमारी कॉर्नर ट्रॉली में भी घुस जाएंगे और कई बार अब तो चक्की में गेहूं पीसने लगे हैं तो बार बार 5 किलो 6 किलो गेहूं लाना, फिर वो घर में पीसना। ऐसे बाहर में पिसा लेते थे पहले तो ज्यादा सा पिसा लेते थे, आटा अलग से रख लेते थे दो हिस्सों में। अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैंने 20 किलो 30 किलो के करीब या 25 किलो मनो गेहूं मंगाया, तो हमने 5-6 किलो पीस लिया, बाकी का इसमें जैसे 20 किलो आता है समझो, ऐसे बाकी का बचा गेहूं इसमें रखा जा सकता है। चावल जैसे अगर साल भर के लिए स्टोर करना है तो बढ़िया है। एक तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है इनमें ना, कीड़े नहीं लगते हैं, चींटियां नहीं जाती हैं, क्योंकि मसला वही है कि अनाज भर के रखो, कीड़े भले ही ना जाएं, चींटियां जो आ जाती हैं ना उससे बड़ी दिक्कत है। आटे में भी आ जाती हैं, देखो गेहूं के आटे में से जितने जतन कर लो। तो ये फिलहाल मैंने दो मंगवाए हैं टपरवेयर के, इन पे मेरी काफी दिनों से नजर थी, अभी मेरी नजर ये बच नहीं पाए हैं। फिलहाल ये 20 किलो के मैंने दो मंगाए हैं, इन दोनों की मुझे जरूरत है। मेरे पास टंकियां वंकियां खूब है स्टील की, मुझे पता है अगर मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो कहेंगी इतनी सारी टंकियां हैं, फिर भी टंकियां हैं स्टील की, वो उनके लिड लूज होते हैं तो उसमें घुस जाते हैं कीड़े सेफ नहीं रहता है अनाज उसमें टंकियों में। ढक्कन वाली भी है, टाइट है, लेकिन फिर भी इनके जैसा लॉक नहीं होता ना, ये जो इनकी जो लिड है ना ये लॉक होती है, एयर टाइट का काम करती है, जैसे वो वाली ब्लू वाला दिखाया ना, इसका तो और धुआंधार है, मतलब कि जबरदस्त वाला लॉक है ये। ऐसे यहाँ से ये दो कॉर्नर है ना, ये ऐसे आपस में फिक्स होते हैं लास्ट वाले, और फिर ये वाला यहाँ ला करके ये ऐसे फिक्स होगा, तो मतलब इतना बढ़िया टाइट लेड। लेकिन अब ये रेड वाले ही आते हैं, रेड लेड वाले, ऐसे ही जो मैंने आपको ब्लू वाले रेंज दिखाई ना किचन कंटेनर्स की, उनमें भी सारा रेड आने लगा है, ब्लू रेयर ही दिखता है। तो ये हो गए रेड कलर के दो डब्बे 20-20 किलो के, जिसमें गेहूं रखना है और चावल भी रखूंगी ना उसमें, इसलिए मैंने मंगवाए ये दोनों। और फिर थोड़े छोटे डब्बे में, जैसे 1 किलो के डब्बे में अपना निकालते रहो चावल और यूज करते रहो, क्योंकि अब गुप्ता जी को छुट्टी मिलती नहीं है, इकट्ठा सामान अभी ज्यादा आता नहीं। हमने एक आध और पैंट्री से मंगवाया अमेजोन पैंट्री से, तो अभी सोचती हूँ इकट्ठा जैसे मंगा लिया अपना भर के रख लिया। तो ये बल्क स्टोरेज कंटेनर्स हैं, इनका नाम भी यही है, टपरवेयर 20 ml बल्क स्टोरेज। नीचे नहीं लिखा भाई, मैं ऐसे देख रही हूँ कहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा होगा ना, आंखें मेरी खराब हो गई है, मुझे बहुत बारीक वाला दिखता नहीं है बिना चश्मे के। और ये हैं 10 किलो वाले, इसमें 10 किलो अनाज मजे का आता है, तो मैं तो इसमें आटा भी रखने वाली हूँ। आटा के डब्बा मैंने आज तक नहीं बदला, सोचो वो स्टील वाला कब से चल रहा है, 22-23 साल से वही वाला डब्बा चल रहा है आटे का, 22 साल से, तो अब मैं उसको बदल डालूंगी, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कुछ दिनों में उसमें जब चींटी नजर आती है ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर उसको छानो फिर वापस निकालो, इसलिए ये मैं सोच रही हूँ कि आटे के डब्बे के लिए कर लूंगी। मैं पतली सी जगह लेगा, सिलेंडर के बगल में रख जाएगा, थोड़ी और मुझे जगह मिल जाएगी बर्तन रखने की। गोल डब्बे ज्यादा जगह लेते हैं, पूरे मजे के गोल डब्बा, और ये उतने में तो दो आ जाते हैं, तो ये 10-10 किलो वाले हैं। ये भी दोनों मैंने लिए, एक तो आटे के लिए लिया है और एक मैंने लिया है, जैसे इसमें तो मैं चावल और गेहूं भर के रखूंगी, इसमें आटा पीसने के बाद रखेंगे। और ये मैंने लिया है तूर दाल और मूंग दाल भी हमारे घर ज्यादा ही आती है, देखो तो तूर दाल 10 किलो तो नहीं आएगी, 5 किलो आएगी, तो इसमें दोनों भी रख सकते हैं हम दाल, जैसे नीचे में तुअर दाल भर ली और दूसरे पैकेट में इसी में डाल करके मूंग की दाल भी रख लेंगे, तो एक साथ दालें रखी रहेंगी दोनों। तो ये 4 डब्बे लिए हैं, फाइनली लिए गए हैं टपर के रेड कलर, 10 लीटर वाला और 20 लीटर वाले, तो ये है। और चूंकि ये रेड कलर के लिड वाले हैं, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेड कलर में 2.3 लीटर वाले, उनकी भी बहुत बढ़िया लिड है, ये देखो टपरवेयर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा। अब इनकी लिड बड़ी प्यारी आने लगी है, जैसे ब्लू वाले में आपने देखा कैसे प्रेस करने को मैंने दिखाया लास्ट में जगह नहीं बचती, इसमें इन्होंने ऐसा शेप दे दिया है कैप का, वो जो ऐसे कॉर्नर वाला कैप है, तो ये ज्यादा अच्छा है, और इसकी लॉक हो गई देखो,
तो ये रेड वाले 2.3 लीटर। अब बच्चों को भी चाहिए डब्बे, जैसे कभी नाश्ता वास्ता दिया, शुभी को भेजा नाश्ता, अपना भर भर के दे दिए, फिर वो डब्बे तो वहीं उनके पास ही रहते हैं, तो ऐसे अब मैंने ले लिए हैं, बच्चों को देने के काम आएंगे। और इसमें सेफ रहता है उन लोगों को भी, तो वही सब नाश्ते वास्ते की चीजें रखना, तो ये ड्राई आइटम्स के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, उनके लड्डू, मठरी, कुछ भी है तो अपना। पहले जब छुपी गई थी तब मैंने दिया ही था उसको, वो सब उसके पास ही है, अब मैंने फिर से ले लिया कि अब वो जो एक बार उनके पास चीजें चली जाती हैं तो यहाँ कहाँ। और अब तो देखो शुभम को भी चाहिए रहेंगे, आगे चल के बाहर गए बच्चे तो टाइम पे उस समय रहे घर में ना तो अच्छा है। इसमें नाश्ता बच्चों का ज्यादा लंबे समय तक सही रहता है। ये है 2.3 लीटर, जैसे अभी वो लंबे वाले दिखाए थे ना ब्लू वाले में, ऐसा ही है। तो ये रेड वाला रेंज है पूरा, इसी में रेड कलर ही, अब सब जितने भी डब्बे मैंने दिखाए थे ना पहले, वो सारे के सारे रेड लिड में अब आने लगे हैं। और इसकी लिड की जो मैं तारीफ कर रही हूँ, मैं दिखाऊं, ये देखो ऐसे इस तरीके से कैप दी गई है साइड में, टप्पर वेयर बड़ा सा लिखा है इसमें, पहले वो ब्लू वाले में बड़ा बारीक सा लिखा है महीन सा, और ये ऐसे बना है। तो इसको लॉक करना और इजी है, जैसे सपोज ऐसे बंद किया, इसको बैक से शुरू करना है, यहाँ से ये लिया, यहाँ पे लाके अंगूठे से प्रेस कर दिया, और खोलने में भी इजी है, जैसे यूं ऐसे लिया, ऐसे पीछे से किया, ये एयर टाइट है बिल्कुल कंटेनर, और ओपन करने के लिए यही जो आगे निकला हुआ है इसको यूं लेना है और बस खुल जाना है, बढ़िया है, मस्त एकदम। आज आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर बात टपरवेयर की करते हैं तो हम ऑयल बॉटल को कैसे मिस कर सकते हैं। मेरे पास ऑयल बॉटल है, ऑयल डिस्पेंसर, टपरवेयर, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, चार है मेरे पास, दो बड़ी दो छोटी। दो बड़ी है तो एक तो ये रखी है सनफ्लावर ऑयल बेकिंग के लिए, और एक बॉटल मैंने मंदिर में रखी है तिल का तेल दिया जलाने के लिए, तो वो परमानेंट मंदिर में रखी रहती है, तो वो भी मैं नहीं ला रही हूँ वहां से, ये दिखा रही हूँ, ऐसी दो है बड़ी बड़ी, और इसी के साथ छोटी वाली है ये दो, दो छोटी दो बड़ी, चार बॉटल्स का सेट लिया था मैंने जब लिया था, तो बड़ी वाली एक मंदिर में है, ये वाली यहाँ है, और ये दोनों भी छोटी, जैसे एक में सरसों का तेल और एक में मूंगफली का ऑयल भर के रखती हूँ मैं, खत्म है आज तो ये यूज करती हूँ मैं। मैंने पास स्टील की भी है लेकिन फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ती, ये मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल मेरे पास इतना ही है टपरवेयर का, और इसी रेड वाले में ही इतने डब्बे आने लगे हैं, बढ़िया है, लेना तो है मुझे फिलहाल, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत है मेरे पास, जब भी लूंगी तो जरूर दिखाऊंगी, और आप अगर लेना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, वो बढ़िया है, ऐसे ऐसे साइज के गोल गोल एकदम, वो भी एक के ऊपर एक आ जाते हैं, ऐसे ऐसे गिलास के साइज के हैं वो बिल्कुल ऐसे, और रेड कलर के लिड है गोल एकदम। अरे जो मैं वो गिलास वाला बता रही हूँ ना, ऐसा है जैसे ये ऑयल बॉटल आती है, तो ऑयल बॉटल की कैप ना हो करके सिर्फ राउंड शेप में लिड है, और ये ऐसे गोल डब्बे हैं, और यही साइज है बिल्कुल। फिलहाल जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। यदि आप अपनी घर गृहस्थी के लिए कुछ बल्क स्टोरेज के लिए लेना चाहते हैं, या फिर किचन ग्रोसरी स्टोरेज के लिए कोई कंटेनर्स लेना चाहते हैं, तो टपरवेयर में जो मेरे पास है वो मैंने आपको दिखाया है, और इसके अलावा भी आपको ढेर सारे वहां पर साइजेस वगैरह मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।